नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप नए यूट्यूबर हो, आपने हाल ही में अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है और आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम और आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी बताएंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर की टेंशन बिल्कुल से भूल जाइए। यानी कि ये वीडियो अगर आपने पूरा कंप्लीट वॉच कर लिया तो आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की जो टेंशन है उससे आप मुक्ति पालोगे और इजीली आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज भी करा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दी तो ये देख लीजिए, नुकसान आप ही का होने वाला है। और अगर आपने कंप्लीट वीडियोस वॉच किया तो ये मान लीजिए आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर और इजीली अपने चैनल को मोनिटाइज करा सकते हो और आप भी यूट्यूब से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय कमाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, YouTube चैनल बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी अपना YouTube चैनल किसी भी माध्यम से बना सकता है, अपने मोबाइल के माध्यम से बना सकता है, लैपटॉप के माध्यम से बना सकता है, डेस्कटॉप के माध्यम से बना सकता है। लेकिन YouTube चैनल बनाने से ही कुछ काम नहीं बनने वाला। यानी कि अगर आपको अपना YouTube चैनल लंबे समय तक आपको ये मान लीजिए ऑपरेट करना है तो आपको YouTube चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर। यानी कि ये जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आप YouTube के प्लेटफॉर्म पे ज्यादा समय तक आप बने रह सकते हो और YouTube से ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी बताएंगे कि आप अपने YouTube चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर की टेंशन को बिल्कुल से भूल जाइए और आप ये मान लीजिए उस टेंशन को अपने दिमाग से निकालकर आप अपने वीडियोस को किस प्रकार से बनाइए, किस प्रकार से अपने वीडियोस के अंदर बदलाव करिए कि आपके इजीली 1000 सब्सक्राइबर की भी कंप्लीट हो जाए और 4000 वॉच टाइम आवर भी आपके कंप्लीट हो जाए और आपका यूट्यूब चैनल भी मोनिटाइज हो जाए। तो सभी लोग क्या करते हैं, पहले जो आते हैं नए नए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे वो 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने की दौड़ के अंदर शामिल हो जाते हैं कि मैं सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरा करूंगा, मैं सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरा करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम क्रिएटर ऐसे हैं जो कि अपने 1000 सब्सक्राइबर तो इजीली प्राप्त कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब 4000 वॉच टाइम आवर का जब उनका समय आता है तो उनको कई साल लग जाते हैं। एक साल भी लग सकता है, दो साल भी लग सकते हैं, तीन साल भी लग सकते हैं। और कई कई ऐसे क्रिएटर हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं, उनका YouTube चैनल 2016 से, 2015 से, 2013 से वो ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन उनके YouTube चैनल के ऊपर किसी प्रकार के 4000 वॉच टाइम आवर आज तक भी वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी बताएंगे कि आप 1000 की टेंशन को भूल जाइए और जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं वो आप अपने YouTube वीडियोस के अंदर, अपने चैनल के अंदर आजमाइए, तो डेफिनेट आपका 4000 वॉच टाइम आवर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप इस 1000 की दौड़ को बिल्कुल से भूल जाइए। उसके पीछे मत पड़िए कि आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, आप उसके पीछे पड़िए कि 4000 वॉच टाइम आवर हम किस प्रकार से कंप्लीट करें। अगर आप इसके पीछे पड़ोगे तो 1000 सब्सक्राइबर आपको ऑटोमेटिकली आपके मिलते चले जाएंगे। आप यानी कि किसी से आग्रह भी मत करिए, किसी से गुजारिश भी मत करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो ऑटोमेटिकली आपके चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएंगे। केवल आपको अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि आपको अपने चैनल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर प्राप्त करने हैं तो आप सब्सक्राइबर से किसी प्रकार की कोई भी रिक्वेस्ट मत करिए, आप अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए और आप थोड़ा बहुत बदलाव करिए अपने वीडियोस के अंदर, सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली आपके चैनल के ऊपर बढ़ने लग जाएंगे। तो जो आपको बदलाव करना है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला जो बदलाव करना है, वीडियो छोटा बनाओ। यानी कि आप जो भी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर बना रहे हो उसकी लेंथ छोटी रखिए ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती चली जाए और आपका वीडियोस वायरल होने के चांसेस भी बढ़ जाएं। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वीडियोस रोज बनाओ। यानी कि अगर आप रोज अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करोगे, फिर मैं आपको बता रहा हूं, सब्सक्राइबर की ओर मत ध्यान दीजिए, आप रोजाना वीडियोस अपलोड करिए, वीडियो छोटा बनाइए, तो देखेंगे कि आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज की प्राप्ति बढ़ने लगेगी और जिनको आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी वो आपके वीडियोस को लाइक भी करते चले जाएंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। अब सब्सक्राइब और लाइक के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बताता हूं। पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैं क्या करता था कि अपने यूट्यूब वीडियोस के ऊपर एक लाइक मैं खुद कर लेता था और एक लाइक मैं ये मान लीजिए अपने दूसरे मोबाइल से उसके ऊपर कर लेता था और जैसे कोई तीसरा लाइक मुझे प्राप्त हो जाता था तो मैं ये सोचने लग जाता था कि मेरा वीडियोस
वायरल होने लगा है और मेरे वीडियोस के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति आने लगी है। लेकिन मैं गलत था, यानी कि मुझे अपने कंटेंट के अंदर थोड़ा सा बदलाव करना होगा। अगर आप अपने कंटेंट के अंदर थोड़ा सा बदलाव करोगे तो ऐसे व्यूअर्स भी आपके वीडियोस के ऊपर खींचे चले आएंगे जो कि कभी भी आपके वीडियोस को देखना पसंद नहीं करते। वो भी ये देखेंगे कि इस वीडियोस के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि इस वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक की प्राप्ति होती चली जा रही है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज इसको मिलते चले जा रहे हैं। तो वो भी आपके वीडियोस को एक बार जरूर वॉच करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो आपका दुश्मन होगा, जो आपका कट्टर होगा, वो भी आपके वीडियोस को वॉच करने की कोशिश करेगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, अगर आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, तो आप ये मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, फिर से आपको बोल रहा हूं कि सब्सक्राइबर की दौड़ के अंदर बिल्कुल भी शामिल मत होइए, कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा तो डेफिनेट आपके सब्सक्राइबर इजीली प्राप्त होते चले जाएंगे और वॉच टाइम आवर आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। और अगर हम तीसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वीडियोस की क्वालिटी के ऊपर आपको ध्यान देना है, यानी कि क्वालिटी को आपको मेंटेन करना है। आपकी ऑडियो क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए अपनी वीडियोस के अंदर और वीडियोस क्वालिटी भी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। दोनों ही क्वालिटी अगर आपकी बेस्ट होगी तो आपके वीडियोस के ऊपर डेफिनेट ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती चली जाएगी और जिनको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। और अगर हम पांचवे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो हमारी भाषा निकल के आती है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने वीडियोस के माध्यम से दे रहे हो तो कोशिश यही कीजिए कि उस वीडियोस के अंदर इस प्रकार के लैंग्वेज इस्तेमाल करिए कि वो सभी वर्ग के लोगों को इजीली समझ में आ जाए। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने वीडियोस के माध्यम से दे रहे हो वो वीडियोस आपका कोई भी वॉच कर रहा हो, चाहे लेडीज वॉच कर रही हो, चाहे जेंट्स वॉच कर रहा हो, चाहे छोटा बच्चा वॉच कर रहा हो, क्योंकि ऑडियंस तो कोई भी हो सकती है। अब हमें पता थोड़ी ना चलता कि हमारे वीडियोस को कौन वॉच कर रहा है, जेंट्स वॉच कर रहा है, लेडीज वॉच कर रही है या फिर कोई छोटा बच्चा हमारा वॉच कर रहा है। तो आपको अपने वीडियोस के अंदर इस प्रकार के सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा जो कि सभी लोगों को इजीली समझ में आ जाए, यानी कि जो जानकारी आप बताना चाह रहे हो अपने वीडियोस के माध्यम से, जो आपके वीडियोस बनाने का एम है, वो सभी को इजीली समझ में आ जाए और आपके वीडियोस को वो समझने के बाद में मजबूर हो जाए आपके वीडियोस को लाइक करने पे। तो इस प्रकार के मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए, डेफिनेट आपके वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति आती चली जाएगी और आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते चले जाएंगे। सब्सक्राइबर इस प्रकार से आपके बढ़ेंगे जिस प्रकार से हमारा मैग्नेट लोहे को खींचता है, उसी प्रकार से आपका जो कंटेंट, आपका वीडियोस है, आपकी इंफॉर्मेशन है, आपकी भाषा है, सब्सक्राइबर को खींचती चली जाएगी। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और अंतिम पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे वीडियोस का जो कवर फोटो होता है, जिसको हम थंबनेल बोलते हैं, थंबनेल के ऊपर ये मान लीजिए अगर आप वीडियोस बनाने में आधा घंटा देते हो तो थंबनेल में भी आप आधा घंटा ही जरूर दीजिए। यानी कि थंबनेल को इस प्रकार से बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए और कम से कम शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि जो भी कवर फोटो आप लगाते हो अपने वीडियोस के ऊपर, उसके अंदर कोशिश यही कीजिए कि कम से कम शब्दों का इस्तेमाल हो, यानी कि सारे की सारी इंफॉर्मेशन आप फोटोग्राफ के माध्यम से समझा सके। कोशिश यही कीजिए कि कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें आप अपने थंबनेल के अंदर। यानी कि अगर आपने थंबनेल के अंदर रामायण लिख दी तो किसी के पास भी इतना समय नहीं कि वो आपके पूरे थंबनेल के अंदर क्या चीज लिखी हुई है वो पढ़े। तो यानी कि कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेट आपके वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती चली जाएंगी और थंबनेल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव आप बनाओगे, थोड़ा सा आकर्षक बनाओगे, ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को वो खींच पाएगा तो डेफिनेट आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज तो प्राप्त होंगे ही होंगे, वॉच टाइम आवर भी आपका ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी रहेगी आपके वीडियोस की तो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे और लाइक भी करते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ पांच या छह ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स थे। अगर आप अपने वीडियोस के अंदर आजमाओगे, अगर आप अपने चैनल के अंदर आजमाओगे तो डेफिनेट आपका यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो होता चला जाएगा और 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर की टेंशन आप बिल्कुल से भूल जाओगे और डेफिनेट आप जल्दी से जल्दी अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज कराकर आप भी यूट्यूब से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सभी नए क्रिएटर को पता लग सके कि अगर वो भी 1000 की दौड़ के अंदर शामिल हो जाते हैं तो डेफिनेट उनको काफी ज्यादा समय लग जाएगा। वो अपने यूट्यूब चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट करना चाहते हैं तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा अगर वो 1000 की दौड़ के अंदर शामिल हो गए और वो अपने चैनल के ऊपर 4000 वॉच टाइम और इंक्रीज करने में काफी ज्यादा दिन उनको लग जाएंगे, साल भर भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है। लेकिन अगर वो 1000 की दौड़ को अगर वो भूल जाते हैं और उस टेंशन को ये मान लीजिए अपने दिमाग से निकाल देते हैं तो वो डेफिनेट अपने यूट्यूब चैनल को मात्र 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर मोनिटाइज कराकर वो भी यूट्यूब से ज्यादा पैसा
कमा सकते हैं। यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।